हमीरपुर में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज को लेकर हमीरपुर पहुंची मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम वापस चली गई। दो दिवसीय दौरे पर हमीरपुर आई इस टीम ने अंतिम दिन निरीक्षण की गोपनीयता रिपोर्ट तैयार की। इसके लिए 3 सदस्यीय टीम ने क्षेत्रीय अस्पताल में डेरा जमाए रखा। एमएस ऑफिस में तमाम आला अधिकारियों के साथ बैठक कर टीम ने मेडिकल कॉलेज की संभावनाओं व आधारभूत ढांचे समेत अन्य सुविधाओं को जांचा है। क्षेत्रीय अस्पताल एमएस अर्चना सोनी ने बताया कि एमसीआई की टीम ने 2 दिनों तक हमीरपुर अस्पताल का जायजा लिया। टीम अपनी कागजी कार्यवाही पूरी कर हमीरपुर से रवाना हो गई। लिहाजा हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज खुलने को लेकर केंद्र सरकार ने अपने प्रस्ताव तेज कर दिए हैं। साथ ही क्षेत्रीय अस्पताल में अतिरिक्त भवन के लिए बजट भी मंजूर हो चुका है। इसके अलावा अगले साल हमीरपुर में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज की कक्षाएं शुरू होने के कयास जताए जा रहे हैं। क्षेत्रीय अस्पताल में 2 दिनों तक एमसीआई की टीम द्वारा किए गए निरीक्षण में अस्पताल में सफाई व्यवस्था, आपातकालीन कक्ष में मरीजों को मिलने वाली सुविधा, मार्गदर्शक पट्टिकाएं, अस्पताल में मरीजों को पैदल चलने की सुविधा, अस्पताल की गायनी वार्ड में गर्भवती महिलाओं को मिलने वाली सुविधाएं, सभी ओपीडी वार्डों, कंट्रोल, दवाइयों की दुकानों, ब्लड बैंक, लैब, ऑपरेशन थिएटर सहित अस्पताल की अन्य तमाम सुविधाओं का निरीक्षण किया। इसके अलावा टीम ने अस्पताल में बन रहे 50 बेड के नए वार्ड, नए आईसीयू व माइनर ओटी का भी जायजा लिया। एमसीए की टीम पिछले साल भी आई थी और इस साल अब दोबारा आई है अगले बैच के लिए मेडिकल कॉलेज की, ताकि मेडिकल कॉलेज स्टार्ट हो जाए। बेसिकली असेसमेंट ऑफ फिजिकल एंड अदर टीचिंग फैसिलिटीज को असेसमेंट करने के लिए आई हुई है। इसमें 3 मेंबर्स की कमेटी है। एक है डॉक्टर एमपी पारचंद, कोऑर्डिनेटर हैं, और डॉक्टर सत्यजीत वर्मा है, दूसरे प्रोफेसर हैं, और तीसरे हैं युवराज बी भाई। ये 3 डॉक्टर्स की, 3 मेंबर्स की कमेटी है और ये बड़ी माइन्यूटली हॉस्पिटल का जो हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, जो मेडिकल कॉलेज में जो आने वाली फैसिलिटीज हैं उनका जायजा ले रही है टीम। 2 दिन तक काम करेगी और उसके बाद फिर ये अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट करेगी।